नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आप लोग मांगते हैं यक्षिणी साधना दीजिए, यक्षिणी साधना दीजिए। ज्ञान के लिए मैंने बहुत यक्षिणी साधना दी और हर बार मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि यक्षिणी की साधना अगर सामर्थ हो, समर्थ गुरु हो, तभी आप करिएगा, वरना मत कीजिएगा। आज लेकिन एक ऐसी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ जो आप सभी के लिए लाभकारी है और मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी धन के लिए थोड़ा परेशान है वो इस साधना को करे और जब भी आप लोगों को धन की आवश्यकता हो इस साधना को करे। इन यक्षिणी को हम बोलते हैं स्वर्ण यक्षिणी, ठीक है। जैसे स्वर्ण भैरव होते हैं वैसे ही स्वर्ण यक्षिणी है। स्वर्ण यक्षिणी का काम क्या होता है? स्वर्ण यक्षिणी का काम होता है कि जब चारों तरफ से धन का प्रवाह बंद हो गया हो तो नया धन का सोर्स उत्पन्न करना, ये स्वर्ण यक्षिणी का काम है। या फिर अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें अकस्मात धन आपको मिल सकता है तो उस समय स्वर्ण यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। स्वर्ण यक्षिणी को सिद्ध करके एक बार आप रख लेते हैं और उसके बाद जब भी आपको काम होता है तो उनको फिर से बुला करके और फिर उनकी पूजा करते हैं तो फिर वो अपना काम करने लगती हैं, ठीक है। स्वर्ण यक्षिणी को स्थापित करने के लिए एक शुद्ध नेपाली 6 मुखी रुद्राक्ष लीजिए। डुप्लीकेट रुद्राक्ष अगर लेते हैं और आपका काम नहीं होता है तो आपका समय वेस्ट होगा, इसीलिए अच्छा सा चुन के 6 मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत ही सस्ता होता है उसको ले लीजिए। पीला वस्त्र रहेगा, पीला आसन रहेगा, ठीक है। पूर्णिमा की रात में एक चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और उस पर इस रुद्राक्ष को रख दीजिए, एक छोटा पीला का कपड़ा में जिसमें कि आप इसकी पोटली बना सकें, ठीक है। उसके सामने घी का, शुद्ध गाय के घी का बंदोबस्त कीजिएगा। ये मार्केट वाला जो मोमबत्ती मिला हुआ जो आता है घी, वो नहीं, शुद्ध घी का बंदोबस्त करिएगा, घी का गाय का, और उससे आप दीपक जलाइएगा। उसके बाद जो गुरु मंत्र है उसका एक माला कीजिएगा, गणपति का एक माला कीजिएगा, फिर दीपक का जो है पूजा कीजिएगा। इसके बाद जो आपने 6 मुखी रुद्राक्ष रखा है उस पर कुमकुम लगाइए, धूप दिखाइए उसको, उस पर पुष्प दीजिए, नवेद दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो यक्षिणी माला आता है वो चमकता हुआ मतलब अमेरिकन डायमंड जैसा आप बोल सकते हैं, उस यक्षिणी माला पे 11 दिन तक आप यक्षिणी मंत्र का जाप करेंगे। तो स्वर्ण यक्षिणी का क्या मंत्र सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ओम ऐम स्वर्ण यक्षिणी मम कार सिद्धिम क्रीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षा ऐम ऐम नमः। फिर से सुनिए, ओम ऐम स्वर्ण यक्षिणी मम कार सिद्धिम करीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षा ऐम ऐम नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम ऐम स्वर्ण यक्षिणी मम कार सिद्धिम करीम प्रत्यक्षम सिद्धिम स्वर्ण वर्षा ऐम ऐम नमः। इसको आप रोज 21 माला करेंगे 11 दिन तक। 11 दिन तक करने के बाद ये जो यक्षिणी है स्वर्ण यक्षिणी, ये उस रुद्राक्ष में स्थापित हो जाएंगे। उसके जब भी आपको काम होगा तो इस रुद्राक्ष में स्थापित होने के बाद इस रुद्राक्ष की पोटली बना करके आप इस रुद्राक्ष को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। जब भी आपको कोई काम हो जिसमें आपको धन लाभ होना है तो इस रुद्राक्ष को फिर से इसकी पूजा करके बिना खोले और 5 माला जाप करके उस काम को करने चले जाइएगा तो आपको धन लाभ हो जाएगा, आपका काम संपन्न होगा। और अगर धन का सोर्स आपका खत्म हो गया है तो इस साधना के बाद धन का सोर्स आपको खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिसको साधना का इनिशियल मंत्र सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप 9431188585 से जुड़ सकता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrasya.xyz इस पर आप लॉगिन करिएगा तो इसमें अपॉइंटमेंट लिंक मिलेगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए। US, कनाडा और इंडिया तीनों जगह ये अवेलेबल है और इसमें rudranath@cm4 आप अगर सर्च कीजिए तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप इस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। स्वर्ण यक्षिणी आप लोगों को धन से लाभ दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगा कि इस साधना को ज़रूर करिए और एक सिद्ध करके अपने पूजा स्थान पर रखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।